आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीडरशिप टाइप्स, नेतृत्व के प्रकार। पहले हमने क्लियर किया था इसके बारे में आपको, नेतृत्व का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, इसकी परिभाषा, डेफिनेशन और नेचर ऑफ लीडरशिप, ये मैंने करवा दिया ना। डिस्कस दिस, आज हम शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप। ये दो पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट आज हम करें, सेकंड पार्ट विल डिस्कस ये मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले से ही। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इशू, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन और अगर एबिलिटी टू डू दिस इज नोन एज लीडरशिप, यानी कि लोगों के समूह या किसी संगठन को नेतृत्व प्रदान करना या प्रदान करने की क्षमता और नेतृत्व, ये अर्थ था, ये परिभाषा है। एक बार इसको एक रीडिंग से क्या होता है, बार बार से यू रिमेम्बर इट। नेतृत्व एक प्रकार की व्यवहारिक क्षमता, मैंने आपको बताया था, इट इज अ बिहेवियर कैपेसिटी, है एक कौशल होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है। यहाँ पर दूसरों का मतलब है समूह के सदस्य या उसके अनुयायी, फॉलोअर्स। Leadership is a pair of potential and a skill by an individual influencing the behavior of others to achieve specific goals. See? Clear. Next. अब आएगा इसमें प्रकार। कर्ट लेविन एक फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने फील्ड स्टडी पर बहुत काम किया है और उनके और सहयोगियों ने मिलकर 1939 में जो नेतृत्व निर्णय प्रयोग, ये क्या होता है, लीडरशिप डिसीजन मेकिंग एक्सपेरिमेंट किया। ये क्या एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगा मैं। उनके आधार पर उन्होंने बताया कि तीन प्रकार के लीडर्स पाए जाते हैं, मुख्य रूप से थ्री टाइप्स ऑफ लीडरशिप आर फाउंड। और इसमें लेकिन चूंकि मैंने इसमें चार लिखा है तो चौथी जो यहाँ पर शैली देखिए मैंने, परिवर्तनकारी या करिश्माई शैली जो है, दैट इज गिवन बाय द मैक्स वेबर ने दी थी, जो कि एक जर्मन थे, जूरिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था। तो तीन है, पहले जो तीन आप देखेंगे इसमें, निरंकुश, लोकतांत्रिक, अहस्तक्षेपी और चौथी है परिवर्तनकारी और करिश्माई। पहले हम डिस्कस करते हैं यहां पर फर्स्ट नेतृत्व निर्णय प्रयोग। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि बच्चों के समूह पर या लोगों के समूह पर कुछ प्रयोग किए जाते हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती है, कुछ समस्याएं दी, उन समस्याएं में किस तरह से आप, जब आपके पास वो प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम्स के आने के टाइम हाउ यू टेक डिसीजंस, आप फैसला कैसे लेते हैं, फैसला आप अकेले लेते हैं या अपने समूह के सदस्यों से पूछकर फैसला लेते हैं या आप छोड़ देते हैं समूह पर कि आप फैसला लो, इस समस्या का समाधान आप करो। ठीक बात समझ आ गई। दीज आर नेतृत्व निर्णय प्रयोग, यानी कि डिसीजन मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर्ट लेविन और उसके सहयोगी ने किए और उनके आधार पर उन्होंने बताया कि जो लीडरशिप की जो टाइप होती है, जो शैलियां होती है, मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है और चौथी हमने बात कर रहे हैं वो मैक्स मेंबर है। अब एक शैली को डिस्कस करेंगे, चलो नेक्स्ट टाइप्स ये बताया है इंग्लिश में है, निरंकुश। इससे पहली स्लाइड दिखाऊंगा, पहली वाली को स्लाइड इसमें जो आप देख लोगे इंग्लिश में देखो इसको, निरंकुश को क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक, लोकतांत्रिक को क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक और अहस्तक्षेपी लेसिस फेयर। जो आपको बताऊंगा एक फ्रेंच का शब्द है, बहुत आसान मुश्किल नहीं है, एंड द फोर्थ इज द ट्रांसफॉर्मेशनल और क्रिस्मेटिक स्टेज। ठीक है, अब इसमें आपको ऑटोक्रेटिक लीडर का है, निरंकुश शासक के शब्द से ही आपको समझ में आ गया होगा कि उसका व्यवहार कैसा होगा। निरंकुश शासक, एक दो अगर हम एग्जांपल आपको देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अपने इतिहास में बहुत निरंकुश शासक का जो नाम है आप देखेंगे दुनिया के इतिहास में, हिटलर का नाम सबसे पहले आप समझ आ गया आपको, वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग हिटलर का नाम। युगांडा का एक शासक राजकीदी अमीन, वो भी लेटेस्ट, कभी कई सारे और जो शासकों की सदा
सद्दाम हुसैन को भी निरंकुश शासक माना जाता है, तानाशाह माना जाता है। सर्वोदान ग्लोसविद ग्लोसविद जो बोलते थे वो भी एक निरंकुश शासक के नाम जाना जाता है। तो हमारे भारत के इतिहास में भी कुछ शासक हुए हैं जिनको औरंगजेब को भी निरंकुश यानी ऑटोक्रेटिक माना जाता है, राजा जो था किस तरह से आप इसको समझे। इसमें है होता क्या है, मुख्य बात इसमें एक ही है, समूह से संबंधित निर्णय लेने का जो तरीका है उसमें मुख्य रूप से अंतर होता है। आप देखेंगे जो निरंकुश शासक होते हैं, निरंकुश का मतलब पता है आप सब देख निरंकुश है, कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ निरंकुश हिंदी बता सकते हो आप? जिस पर कोई अंकुश ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो, जिस व्यक्ति पर कोई अंकुश ना हो, प्रतिबंध ना हो, यानी वो जो चाहे मन मर्जी का जो वो चाहे वो कर सके, ये होता है निरंकुश। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ऑटोक्रेटिक। क्या कहते हैं? ऑटोक्रेटिक। यानी ये देखो आप, समूह से संबंधित निर्णय जो समूह से यानी ग्रुप से रिलेटेड, यहां पर समूह का मतलब है कोई ग्रुप, पूरा देश भी हो सकता है, एक राज्य भी हो सकता है, ठीक है, ये समूह की बात यहां पर है। समूह से संबंधित निर्णय सदस्यों, सदस्य कौन हो गया? समूह के सदस्य अनुयायियों के परामर्श के बिना किए जाते हैं जी। मान लीजिए आपके घर एक समूह है, आपका गांव एक समूह है, आपका शहर, ये सारे के सारे एक समूह है, आपका देश एक समूह है, और आपसे संबंधित निर्णय लिए जाने हैं और आपसे पूछा ही जा जाए, ऐसा जो शासक, ऐसा जो नेता या ऐसा नेतृत्व की जो ऐसी शैली है उसको हम निरंकुश शैली कहते हैं। आपकी क्लास है, कॉलेज है, कॉलेज में कोई भी फैसला ले लिया जाए, कल से यूनिफॉर्म क्या बदल दी जाए, सभी बच्चे सफेद ड्रेस में आए, टीचर्स भी अराउंड विल कम इन व्हाइट यूनिफॉर्म फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, क्या होगा? ऐसा फैसला ऑटोक्रेटिक फैसला हो जाएगा, ठीक है। और मजाक वाली बात कर दी जाए, लड़के भी और टीचर भी, लड़के और जेंट्स टीचर सारे चुनी ने कहेंगे हमारे काम का फैसला है ये, और हमारे से बिना पूछा ले लिया गया, ऑटोक्रेटिक, दिस इज नोन एज ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है ना, निरंकुश शासक। आपसे भी पूछा जाता, उदाहरण के तौर पर देखो सैन्य नेतृत्व, मिलिट्री लीडरशिप के अंदर देवरास जो सेना के जो लीडरशिप होते हैं नेतृत्व होता है, मिशन की टुकड़ियों के लिए लोग जाते हैं, मिशन पर जाते हैं, टुकड़ियां जाती है, कहीं पर कोई ना कोई एक मिशन को अंजाम देना होता है, वहां पर जो समूह के सदस्य होते हैं, जो सैनिक होते हैं, जो अफसर होते हैं, उनसे कोई नहीं पूछा जाता, उनका जो मेन लीडर होता है वो फैसला लेता है और चलो बात कहां पर चल रहा है कोई नहीं पूछता है, क्योंकि जहां लीडर जाएगा उसमें चीजें भी देते हैं। आपने जो सीन देखा नहीं, फिल्मों में दिखाया होगा, और असली में भी ऐसा होता है, मैं बताऊंगा आपको। दूसरा होता है तानाशाही, सदाम हुसैन, इदी अमीन। इदी अमीन के बारे में बड़ी फेमस बातें हैं, इदी अमीन जो युगांडा का जो शासक था, वो अपने जो उसके विरोधी विचारधारा के लोग थे उनको मार के उनका खून पी जाता था, इदी अमीन। अभी आप ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है, 10-20 साल बड़ी बात ही है, और आप यू कैन रीड ऑन इंटरनेट, इदी अमीन डालना, IDIAMIN इंटरनेट पे डालना, यू कैन सी द उसकी पूरी स्टोरी जान सकते, ऐसा तानाशाह था। तो वो तानाशाही होती है सैन्य नेतृत्व में, ऑटोक्रेसी का एक हमें उदाहरण मिलता है, लेकिन वहां पर तानाशाही नहीं होती हर समय। अब यहां डर मत जाना, सेना में आपत्ति ना हो, मिलिट्री के अंदर हर समय तानाशाही नहीं होती, वो वहां पर जो नेतृत्व का जो शैली होती है वहां पर ऑटोक्रेटिक होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि डिफेंस सर्विसेज के अंदर आप ये मानकर ना चलें कि हर जगह ही ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा होती है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि होती है, इसलिए कुछ फैसले ऐसे लिए जाते हैं जो कि समूह से सदस्यों के पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मान लिया जाए आप समूह के सारे सैनिक हैं और 12 आतंकवादी हमला हो गया, अब आप सब पूछने लगे तो क्या भाई हमला करें उनको रोके हम, आप कहोगे सर देखते हैं सोचेंगे करेंगे, तब तक को मार के चले जाएंगे,
इलेक्शन को एकदम तुरंत फैसला लेना होता है, आप सब तैयार लोगों के साथ पता चल गया ठीक है। रितु यूज योर लीडर, वो कहती है तुम फायर, आप पूछोगे नहीं कहां जा रहा है, फटाफट लेके गन यू जंप देयर ठीक है, और आतंकवादी को यू किल देम है ना, टेररिस्ट को मार दो। लेकिन उस समय ऋतु से पूछो नहीं कि कहां जाना है, क्यों करना है, क्या करना है, यू नॉट आस्क, इतना समय नहीं होता है। इसलिए डू नॉट टेक मिलिट्री लीडरशिप को प्योरली आप मोनोक्रेटिक ना लो। यहां पर एग्जांपल इसे दिया गया है कि वहां पर इस टाइप की शैली का इस्तेमाल होता है। प्राधिकरण केंद्रीकृत होता है, प्राधिकरण केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है कि जो फैसला लेना है तो अथॉरिटी होती है वो केवल एक आदमी के पास होती है, वही कानून बनाता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, वही न्याय सुनाता है और वही कानून को लागू भी करता है। कमाल की बात देखो, तीनों पावर एक लीडर के पास होती है यानी ऑटोक्रेटिक। विरोधी विचारों को दंडित करने के लिए अक्सर बल का उपयोग किया जाता है, जैसे मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दिया, जितने भी तानाशाह हुए हैं दुनिया के इतिहास में उन्होंने सबसे पहले काम यही किया है कि जो लोग उनके विचारों को नहीं मानते हैं उनको पहले क्लास कर दिया जाए, मार दिया जाए, ताकि उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई ना हो, और दंड का प्रयोग तो वो है किल देम का। अब ये समझ आएगा आपको निरंकुश शासक क्या होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हो, लिखना और भी आप अपने मन से भी, जो मैंने मुख्य बात यहां बता दी आपको, लेविन के प्रयोगों ने बताया है, सुझाया है कि निरंकुश शैली सदस्यों के बीच असंतोष के उच्चतम स्तर का कारण बनती है। यानी जो समूह के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में अगर उस समूह का जो नेता है इफ दैट लीडर इज ऑटोक्रेटिक टाइप या निरंकुश तरह का वो नेतृत्व शैली का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे समूह के बीच में जो लोग होते हैं सदस्य होते हैं उनके बीच में असंतोष, हाईएस्ट लेवल का डिससैटिस्फेक्शन, वो लोग क्या होते हैं असंतुष्ट पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं असंतुष्ट, ये सुझाया भी है लेविन ने भी पूरी सच्चाई ली। निरंकुश नेता आक्रामक और आत्म केंद्रित पाए जाते हैं, आक्रामक समझते हैं आप छोटी सी बात पर गुस्सा होता है, और आत्म केंद्रित अपने में ही बिजी रहता, अपने विचारों में ही अपनी ही बात सारी, जो उसने कहा वो सत्य। जैसे बहुत सारे लोग अभी आपने देखा होगा कि ये अपने शिक्षा के अंदर एक डेरा था, उनके जो लीडर थे पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित, जैसा वो कहते थे वैसा ही, आप इसको ही है वहां का फॉलो, अब तो होगा तो भी नहीं बताएगा उनके जो नेता है अभी ही स्कूलिंग इस हेल से दुष्टारियां जेल, कानून के हाथ काफी लंबे हैं और हाथ के लिए कोट टूट गया मजबूत भी। ये आपका तीसरा जो ऑटोक्रेटिक टाइप लीडरशिप लीडरशिप डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूं और आई कैन वेरी वेल एक्सप्लेन, दिस मींस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप डिसीजन मेकिंग इज द सजेशंस फ्रॉम द members are not invited, not taken by such type of leaders. And you take example of military leadership or dictatorship, and sometimes you find such type of leadership at your home also. हमारे घर पे भी ऐसी मिलती कभी कभी मिलती, कभी कुछ दर्शन होते हैं ऐसी शैली के पिताजी के सामने, आप कहते हैं नया फोन लेके आना, पिताजी बिना पूछे आप कहते नहीं नो, तुरंत फैसला आता है, हो सकता है दो दिन बाद पिताजी मान जाएंगे लेकिन आज मैं आया नो, दैट इज मींस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, आपने बिना पूछे ही फैसला ले लिया। एंड अथॉरिटी सेंट्रलाइज मींस जो पावर होती है दे आर प्योरली सेंट्रलाइज और फोकस्ड ओनली वन हैंड, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी सेंट्रलाइज, एंड दे यूज ब्रूटल फोर्स टू पनिश द ओपोजिंग व्यूज। ब्रूटल फोर्स मतलब जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जानवरों जैसी ताकत का इस्तेमाल करते हैं अपने अपोजिंग व्यूज को मानने वालों को। और लेविन के एक्सपेरिमेंट्स हैं सजेस्टेड दैट सच टाइप ऑफ लीडरशिप पीपल हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ डिससैटिस्फेक्शन, क्लियर यस, दे आर सेल्फ सेंटर्ड एंड अग्रेसिव। दूसरा है द सेकंड टाइप ऑफ लीडरशिप है लोकतांत्रिक या सहभागिता, सहभागिता यहां पर है पार्टिसिपेटरी, जो लोकतांत्रिक जो भावना है आप उससे अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे सफल सबसे बड़ा
और सबसे सुरक्षित लोकतंत्र है। लोकतंत्र हम छोटा सा फैसला भी लेते हैं तो परिवार के हर सदस्य अलग को पूछते हैं, ये बाहर या किसी दूसरे देशों में नहीं होता है। आपको अगर घर में कोई फ्रिज भी खरीदना हो तो आप देखोगे घर में छह सदस्य तो पूरे शोरूम में छह के छह जाएंगे, जाते ना। और सबसे पूछा जाता है किस कलर का ले, कौन सा ले, बच्चे बेटे पापा ले लो, वाइफ कहती ले लो, दादी के माँ कहते बेटा ना ये ठीक है। We all sit together and decide कि फैसला लेते हैं ना ये ले। Have you seen this condition? शोरूम में भीड़ क्यों होती है हमारे इंडिया में? क्योंकि एक चीज खरीदने के लिए पूरी फैमिली जाती है। कार खरीदनी है तो, बाइक खरीदना है तो, भाई ऐसा क्यों है? ये हमारे जो लोकतंत्र की जो भावना है हमारे रक्त में बसी हुई है। We are born as democratic। भारत के जो लोग हम लोग हैं पैदा ही लोकतांत्रिक हैं। आप समझ रहे चीज को? सो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। छोटे सब्जी भी कुछ लानी होती है तो हस्बैंड चला जाएगा तो फोन करके पूछेगा क्या लाओ, वाइफ पूछेगा एक मिनट बच्चे से पूछती हूँ, वो पूछेगा नहीं जी पापा मुझे बहन से पूछो। वी टेक दिस डिसीजन। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तो हमारे स्कूल में रस बस गया, यू नो दिस, हम तो रोज देखते हैं बात। बस इसमें यही बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या डिफरेंस है? निरंकुश जो शासन प्रणाली है, नेतृत्व जो प्रणाली है, शैली है, उसमें फैसला सदस्यों से पूछा नहीं जाता, लिया जाता। इसमें क्या है? यही मेजर डिफरेंस है। लोग या सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। आप देखो हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को किसी नेता को जब चुनते हैं समूह में हम सब लोग वोट डाल के आते हैं। वोट डालने का मतलब है कि हम निर्णय ले रहे हैं, फैसला लेते हैं किसको चुनना है किसको नहीं। ओके? और नेता आम सहमति बनाने की कोशिश करते हैं, आम सहमति किसी बात पर सभी लोग तैयार हो जाए हम ऐसा फैसला लेते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक नेता लोग नेतृत्व की शैली को खूब पसंद करते हैं। एवरीवन लाइक्स दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है सभी इसको खूब पसंद करते हैं। लोकतांत्रिक नेता अपने सदस्यों के सम्मान व्यवहार करता है हर सदस्यों के साथ, जैसे लोग सदस्य ग्रुप के जैसे सदस्य जो है व्यवहार करते हैं नेता भी वैसा ही व्यवहार करता है, ठीक। क्योंकि लोग उसमें निरंकुश में ऐसा नहीं होता है, निरंकुश में तो वो अलग ही रहता है। देखा ना लोग निरंकुश नेता कैसे होते हैं, तलवार से केक काटते हैं। Have you seen? देखा प्रभु? देखा होगा आपने, देखा रजनीश, Have seen that scene? रजनी को याद है 24 अगस्त तो नहीं, उससे पहले 15 अगस्त 2016 को केक कटा था कहीं पर तलवार से, किसी को पता है? बताओ रजनी। नहीं पता होगा सब, बोलो बोलो जल्दी बोलो, नहीं पता तो यू आर टेलिंग यस। बड़े 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 केक अभी जब जिस डेरे की मैंने चर्चा की थी इसी उन्होंने काटा था 15 अगस्त 2016 को और 24 अगस्त 2016 को युवा दिन थे। 24 को कैसे लाया था, 25 को गए हो, बट सी दिस कंडीशन। ये कोई बात हुई कि आप देखो कि आप कोई सदस्य ऐसा व्यवहार करता आपने काटा किसी ने तलवार से, यानी कि हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। जो लोकतांत्रिक जो नेता होता है वो वैसा व्यवहार करता है जैसा उसके सदस्य व्यवहार करते हैं। हाँ एनीथिंग नहीं अच्छा। और लेकिन निरंकुश शासक होते हैं वो अपना ही व्यवहार करते हैं। तो इसमें और भी निरंकुश शासकों के जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लोग अलग ही जोकर अलग टाइप के व्यवहार करते हैं, उनका कोई अंदाजा नहीं होता कैसा व्यवहार करें, ठीक है। यहाँ पर खास बात देख लेना कि जो निरंकुश शासक होते हैं वो अपने सदस्यों जैसा या अन्यायी जैसे व्यवहार नहीं करते, लेकिन जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को मानने वाले लोग होते हैं वो वैसा व्यवहार करते हैं जैसा कि उनके सदस्य करते हैं। उनके साथ समूह संबंधित मुद्दों और समस्याओं पर खुलकर चर्चा करते हैं, यानी हमारा जो समूह है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी समस्याएं उनके जो मुद्दे हैं उनके साथ ऐसी लोकतांत्रिक जो नेतृत्व शैली वाले लोग होते हैं उनके साथ खुलकर चर्चा करते हैं, डिस्कस। और उससे क्या होता है, एक जो फैसला लेने की प्रक्रिया में समूह के सदस्य भी शामिल होते हैं। ऐसा नेता समूह केंद्रित होता है। निरंकुश नेता कैसा होता है? आत्म केंद्रित होता है। और यह वाला कैसा है? समूह केंद्रित होता है और सामाजिक भावनात्मक उन्मुख पाया जाता है।
ये नहीं जा रही है ना, सामाजिक भावनात्मक उन्मुख माइंड। ये जब हम पार्ट टू पढ़ेंगे, पार्ट टू पढ़ेंगे उसमें आएगा ये भी एक नेतृत्व शैली होगी, सोशियो इमोशनल। ठीक है, सोशियो इमोशनल क्या है, आपकी भावनाओं का, इमोशंस का भी ध्यान रखा जाना। निरंकुश नेता नहीं रखता कि आप कैसा सोचते हो। जब भारत में अंग्रेज जब राज कर रहे थे ना, तो वो सारे के सारे ऑटोक्रेटिक थे, निरंकुश थे। हमारे यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, लोग मर रहे थे, लाखों लोग मर रहे थे, लेकिन उन हृदयहीन लोगों को, अंग्रेजों को केवल टैक्स चाहिए था। और हमारे लाखों लोग, 10 लाख से भी लाखों लोग मारे गए भारत के, और वो टैक्स कलेक्ट करते रहे अंग्रेज। उनको ये चिंता नहीं थी कि देश के, इस देश में जो टैक्स तुम ले रहे हो उन लोगों से ले रहे हो, इनका भी थोड़ा ख्याल रखना है। लेकिन नहीं, सूख सूख के हमारे लोग मर गए, पर उनको बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो इसलिए वो लोग लोकतांत्रिक नहीं थे, ऑटोक्रेटिक है। आप समझ में आई बात इसको? नेक्स्ट, ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो नेक्स्ट, हस्तक्षेप जिसकी बात करें, हस्तक्षेप, दिस इज फेयर। ये लिस इज फेयर इसको बोलते हैं। ये फ्रांस यानी फ्रेंच भाषा का ये शब्द है, जिसका अर्थ होता है लेट डू, या चलो करो या करने दो, चलो करो या करने दो। इसका मतलब क्या है लिस इज फेयर का? अब आप तीनों को देखोगे आप इसमें, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लिस इज फेयर, यानी कि चलो करो। ये पहले वाले में क्या है, जो फैसला लिया जाता है वो किसी से नहीं पूछा जाता। दूसरे में क्या है, समूह से, सदस्यों से मिलकर फैसला लिया जाता है। और तीसरे में क्या है कि समूह ही फैसला लेता है। दिस इज फेयर में क्या है कि चलो भाई आप ही फैसला करके बता देना क्या करना, वैसे ही कर लेंगे। तीनों में अंतर समझ गया? देख लो, ये है दिस इज फेयर, चलो करो। इसमें क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में नेता की भूमिका न्यूनतम होती है। नेता बहुत कम भूमिका, रोल निभाता है उसके अंदर। इस शैली में सदस्य स्वयं निर्णय लेते हैं, स्वयं फैसला करते हैं हमें करना क्या है और कैसे कैसे करना है, क्या नीतियां बनानी है। सारी सारी समूह से संबंधित जितने मुद्दे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी फैसले होते हैं, सदस्य स्वयं लेते हैं, और नेता का बहुत ही कम रोल होता है। इस शैली के नेता अत्यधिक विकेंद्रित प्रकृति के होते हैं। ऑटोक्रेटिक वाले अत्यधिक केंद्रित होते हैं, डेमोक्रेटिक वाले समूह केंद्रित होते हैं, और इस वाले विकेंद्रित। विकेंद्रित का मतलब यह होता है कि आप कोई करो जो कुछ करना है। ये सदस्यों पर कम से कम नियंत्रण, समूह के जो लोग होते हैं यानी किसी देश के लोग होते हैं, उन पर नेता का सबसे कम नियंत्रण होता है। किस शैली में? लिसिस फेयर शैली में या हस्तक्षेप शैली में। और उनके साथ न्यूनतम संपर्क रखते हैं। जो रिलेशन होता है वो नेता का लोगों के साथ कैसा होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये होता है लिसिस फेयर। अब आपको तीनों टाइप के लीडरशिप में समझ में आ गया, अंतर समझ में आया ना? अब आप इसको अपनी मर्जी से लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब चौथा देखेंगे हम, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने जो सुझाया था वो था परिवर्तनकारी और करिश्माई लीडर। ठीक है, इसमें आपको दो चार काफी बढ़िया बड़े बात बताऊंगा आपको मैं। अब इसमें देखोगे इसके अंदर जो है लीडरशिप गुण के अंदर एक अलग से गुण पाए जाते हैं। उन लीडरों को, उन नेताओं को या ऐसी नेतृत्व शैली वाले लोगों को अलग से ही पहचाना जाता है। इस प्रकार की नेतृत्व शैली जो है विशेष गुणों जैसे प्रतिबद्धता, जो काम कह दिया वो कह दिया, प्रेरणा, खूब मोटिवेट करना, शारीरिक हाव भाव, इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। क्या है ये? बॉडी लैंग्वेज आदि पर आधारित। ये कुछ गुण होते हैं जिन पर इस प्रकार की शैली आधारित है। परिवर्तनकारी या करिश्मा नेता अपने अनुयायियों की आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे समूह के सदस्य क्या सोचते हैं, क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इन सब का पूरा ध्यान करिश्मा नेता रखते हैं। तो एक प्रभावी प्रेरणा, प्रभावी प्रेरणा का मतलब यहां पर यह है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, यानी कि वो जो प्रेरणा भी देते हैं ना वो भी बहुत प्रभावी होती है।
अपने भारत के इतिहास से संबंधित कोई उदाहरण बताओ आप, प्रभावी प्रेरणा बताओ, प्रभावी प्रेरणा का उदाहरण बताओ, कोई एग्जांपल जिन्होंने एक सेंटेंस पर लोग मरने मारने को तैयार हो गए, मरने को तैयार हो गए, बोलो। सुभाष चंद्र बोस, सुना उनका नाम आपने, एक शब्द कहा था तो मुझे फोन दो, बस 60,000 सैनिक, 60,000 लोग अपना परिवार छोड़कर उनके साथ इंडियन नेशनल आर्मी में जुड़ गए थे, आजाद हिंद फौज में जुड़ गए थे। और भारत की जब आजादी हुई तो 26,000 लोग उस इंडियन नेशनल आर्मी के शहीद हो गए थे। ऐसे किस महीने जाते आपको आज मैं बता दे रहा हूं कि भारत को आजादी मिली तो केवल उन्हीं के कारण मिली थी, किसी गांधी ने किसी नेहरू ने आजादी नहीं दिलाई थी। आपको मैं बता दू, मेजर जनरल बख्शी, मेजर जनरल बख्शी का एक बहुत ही शानदार भाषण है, उसमें मेजर जनरल बख्शी बताते हैं कि किस प्रकार से 1945 में इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे टीमन एटले, उनसे जस्टिस डीबी चक्रवर्ती ने पूछा कि एटले साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप तो द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे, दुनिया में आपका नाम था, आप तो हारे नहीं थे, फिर भी आपने भारत को इतना जल्दी आजाद कैसे कर दिया, क्या कारण रहा, क्या भारत की अहिंसा की प्रवृत्ति या महात्मा गांधी के पास थे? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, केवल तीन शब्द थे जिनके कारण हमें भारत को आजाद करना पड़ा, और तीन शब्द थे इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, और दूसरे तीन शब्द थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा कि अब भारत के लोग जाग चुके थे, यही एक करिश्माई नेता थे, वो अगर हम देश को आजाद नहीं करते तो वो हमें हमसे आजाद करवा लेते, छीन लेते, हमारी भलाई इसी में थी कि हम इज्जत से आते चले जाए, अदरवाइज सुभाष चंद्र बोस जैसे करिश्माई नेताओं ने लोग भारत के लोग अंदर वो जोश भर दिया था और लोग जाग चुके थे। तो आपको एक गाना सुनने को मिल रहा होगा ना, जैसे मेजर जनरल बख्शी बताते हैं कि गाना सुनता ना, बिना आजादी को साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गाना सुना नहीं, ये सारा बकवास है, इट इज अटर नॉनसेंस, कोई आजादी उनसे नहीं मिली, आजादी का कारण था, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। तो आपके मन में कभी ऐसा होना कि गांधी ने आजादी दिलाई है, और कोई बात कहता हूं तुमको मेरे पास ले आना, मेरे जनरल बख्शी साहब से तुमको मिला देंगे, ठीक है ना, किसी को ये मन में आप ये विश्वास ना रखना कि आजादी हमें गांधी जी के पास से मिली है, अहिंसा से मिली है, नॉन वायलेंस से आजादी नहीं मिली है, 26,000 तो इंडियन नेशनल आर्मी के लोग और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसे और जिनकी नींव रखने वाली झांसी की रानी जैसे लोगों ने अपने खून से सींचा इस आजादी को, तब हमें मिली आजादी। तो कभी आप इस चक्कर में मत रहना कि आप नाचते फिरो और ढाल और बिना उसके तलवार की आजादी मिल गई, काइंडली अवॉइड दैट और उसको समझो, भारत की याद को समझो आप। तो वो ऐसे नेता थे सुभाष चंद्र बोस, क्रिसमाई नेता ऐसे होते हैं, एक शब्द पर लोग जान देने को तैयार हो, ठीक है ना। तो ऐसे क्या थे, क्या किया उन्होंने, वे प्रभावी प्रेरणा और क्रिसमाई व्यवहार के माध्यम से अपने अनुयायियों की विचारधारा तक परिवर्तन कर देते, हमारी सोच क्या है, हमारी सोच बदल देते। तो सुभाष चंद्र बोस के जो करिश्माई भाषण थे, उनका जो काम करने का अंदाज था, उनका व्यवहार था, उनकी प्रेरणा थी, उनके कारण से हमारी जो है विचारधारा तक बदल गई थी और हम लड़ने को तैयार हो गए थे, अंग्रेजों को मारने भगाने को तैयार हो गए थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे वो नेता थे, इसको हम कह सकते हैं इस प्रकार के करिश्माई। आप इस एग्जाम्पल को अपने एग्जाम में भी दे सकते हैं, करिश्माई करिश्मा में कोई गांधी का कोई करिश्मा नहीं था, क्लियर बता रहा हूं, मुझे गांधी से कोई चिड़ नहीं है, कभी आप लोग सब तो बड़े होते हैं, ऐसा मानने वाले थे, सत्य बोलने वाले थे, ये वाज गुड मैन, पर उनके कारण में आजादी मिली ये हमें स्वीकार नहीं है, ठीक है। चलते तो नेक्स्ट, ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशनल और क्रिस्मेटिक लीडरशिप, इसके अंदर द मेन इश्यू इज द लीडर मोटिवेट्स
inspire their followers with body language, communication, commitment, persuasiveness, language, etc. इनके माध्यम से जो क्रिस्पाइलेंट होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं, वो अपने अनुयायियों को प्रभावित करते हैं. Next. ये दीजा references from where are you taking these things? मैंने कहाँ से लिया है? आप उनको देख सकते हो, देख कर पढ़ सकते हो. Okay. Thanks. Meet you. Next.